सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब मेरे भाई बढ़िया होंगे। गाइस आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस तरह का बैकग्राउंड फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूं। गाइस इस तरह का बैकग्राउंड देखने फोटो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड बवाल सा लगता है, बट हर कोई इस तरह का बैकग्राउंड फोटो नहीं बना पाता है। बट आज मैं आप लोगों को फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आज आप लोग इस वाले वीडियो को 3 से 4 मिनट देख लेंगे तो आप भी इस तरह का अपना बैकग्राउंड फोटो बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग का यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना डेली इस तरह का फोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस, से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को जिस फोटो को गाइस यहाँ पर एडिट करना होगा आप उस वाला फोटो को अपनी गैलरी के अंदर ओपन कर लीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर के ऑप्शन पे यहाँ पर एक बार आप लोग टैप करके इस वाला फोटो को आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर लाइटरूम ऐप के अंदर आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के साथ आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइटरूम प्रीसेट को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इस वाला ऑरेंज एंड ब्लू कलर टोन प्रीसेट को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इस प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाला प्रीसेट पर हम लोग एक बार क्लिक करके 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऊपर साइड में यहाँ पर मिलेगा और कॉपी सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके सब में यहाँ पर हम लोग टिक कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, इसे राइट क्लिक कर देंगे इसको। और इस बार क्या करेंगे, अपने फोटो पर एक बार हम लोग टैप कर लेंगे और फिर से 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसे पेज सेटिंग कर देंगे। तो आप लोग जैसे यहाँ पेज सेटिंग कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पर 1 क्लिक के अंदर गाइस यहाँ पर एडिट हो जाएगा, जो कि देखिए आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को हम लोग हाई क्वालिटी के अंदर ब्लर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर के ऑप्शन पर यहाँ पर एक हम लोग टैप करेंगे इस वाला ऑप्शन पर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो को हम लोग सेव टू डिवाइस कर देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने फोन में हम लोग फोटो रूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, जो कि ऐप का नेम है फोटो रूम। जितना भी एप्लीकेशन का यूज करूंगा सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाला एप्लीकेशन को यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। और नीचे साइड में आपको एक स्टार्ट फ्रॉम फोटो का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा। और अभी जो हम लोग फोटो को सेव किए थे उस वाले फोटो को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग जैसा यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, जो कि देख सकते हो आप लोग। अभी आप लोग क्या कहना है, ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा, जो कि 3rd नंबर पर होगा। और नीचे साइड में आपको एक बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और इसको कुछ इस तरह से आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लर नाम का एक टूल मिलेगा। इस वाला टूल के ऊपर आप लोग एक बार क्लिक करके इसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा। और इसके बो के इफेक्ट को आप लोग जितना परसेंट पर बढ़ाएंगे तो उतना परसेंट आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, जो कि देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ब्लर कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शेयर के ऑप्शन पर एक बार हम लोग टैप करके और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो को हम फिर से गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को यहाँ पर हम लोग स्मूथ एंड गोरा करने वाले हैं। और एंड हम लोग क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को हम लोग अलग अलग कलर टोन में एडिट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करके इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस वाला फोटो को हम लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देंगे। तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने का अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने फेस को यहाँ पर हम लोग सही करने वाले हैं, जो कि लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर प्रीसेट अप्लाई करने का खराब हो चुका था। और इस वाला हम लोग क्या करेंगे, लोगों को हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे और इस वाले एरिया को भी हम लोग यहाँ पर ब्लर जो हो गया उसको हम लोग हटाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड फोटो के ऑप्शन पर यहाँ पर एक हम लोग टैप कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जो अपने फोटो को सेव करते हैं उस वाला फोटो को यहाँ सिंपली से ऐड कर देते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से फुल बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इधर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। ऑडियो स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके हार्डनेस को फुल डिक्रीज कर देंगे और साइज को हम लोग फुल इंक्रीज कर लेंगे। और कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करके नीचे के एरिया में कुछ इस तरह से इसको हम हल्का हल्का यहाँ पर ब्रश कर देंगे। और यहाँ से सिंपली इसको हम लोग डन कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को यहाँ पर सही करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल फोटो को यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे बैकग्राउंड पर कुछ स्टेप से इसको जूम करके अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इधर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। ऑडियो स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ स्टेप से फोटो को हल्का सा जूम करके अपने फेस पर हम इस वाला इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो गाइज मैंने टाइम देकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने फेस को यहाँ पर सही कर लिया। तो अभी क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से।
और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे यहाँ पर एक हम लोग टैप करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सिंपल वाला इफेक्ट को यहाँ से चूज कर लेंगे और इसको क्या करेंगे राइट साइड में कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में आपको एक सैचुरेशन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस वाला सैचुरेशन के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा और इसके अमाउंट को हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोग कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करके फिर से अपने फेस पर से आप लोग इस वाला इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। और गाइस अब यहां से आप लोग इसको सिंपली से डन कर दीजिएगा। तो अब आप लोग को मैं बताता हूं कि आप लोग अपने बैकग्राउंड को अलग अलग कलर टोन में कैसे एडिट कर सकते हो। तो अलग अलग कलर टोन में अपने बैकग्राउंड को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा और कलर्स के ऑप्शन पर आप लोग यहाँ से एक बार क्लिक कर दीजिएगा और फोर नंबर पर आपको एक मतलब ह्यू नाम के एक ऑप्शन मिलेगा। इस वाला ह्यू के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा और इसके अमाउंट को आप लोग क्या कीजिएगा डिक्रीज या इनक्रीज करके देख लीजिएगा। आप लोग को जो कलर यहाँ पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। तो मान के चलिए मेरे को ये वाला कलर यहाँ पर सिंपली पसंद आ गया तो मैं क्या करता हूँ इस वाला कलर को यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इरेजर के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से अपने फेस पर से इस वाले इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रिमूव करके डन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको बैक करता हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने बैकग्राउंड में हम लोग कुछ पीएनजी को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर तीन पीएनजी को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ जो कि एक स्माइल इमोजी पीएनजी है और एक यहाँ पर बटरफ्लाई की पीएनजी है और एक स्माइल टेक्स्ट पीएनजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इन दोनों पीएनजी को हम लोग साइड में करते हैं और इस वाला हम लोग क्या करते हैं बटरफ्लाई की पीएनजी को कुछ इस टाइप से जूम आउट वगैरह करके यहाँ से क्या करेंगे ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड के पीछे कुछ इस टाइप से इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इस वाला स्माइली टेक्स्ट पीएनजी को हम लोग इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ की साइड इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फिर से यहाँ से स्माइल इमोजी वाले पीएनजी को यहाँ से ले लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह से हल्का सा यहाँ पर क्रॉप करते हैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम लोग। और यहाँ से इसको हम लोग डन करके कुछ इस तरह से इसको हम लोग जूम कर यहाँ के साइड इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ से इसको हम लोग सिंपली से डन कर देते हैं। तो गाइस हमारा फोटो बनके यहाँ पर रेडी हो चुका है जो कि देख ही सकते हो। आप लोग बच गया फेस को यहाँ पर स्मूथ करना एंड अपने फेस को गोरा करना तो इसके लिए आप लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को एक वीडियो का लिंक मिलेगा फेस स्मूथ एंड गोरा के ऊपर तो आप लोग उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो फोटो को सेव करने के लिए अभी हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉ टूल के आइकॉन पर आप लोग एक बार टैप कर लीजिएगा और यहाँ से क्या कहते हैं थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव कर लीजिएगा।